हाँ जी बेटे, आज जैमें जरा तुसी टेस्ट दे डाउट्स पूछे हैं ना, सो वो क्वेश्चन लेने हैं कि करके। पहला तुसी पंजवा सवाल पूछे हो, कहिंदा कि आ सीरीज दा सम डेफिनेट है ते एक्स दी वैल्यू लभनी है कित्थे लाई कर दी। ते तुहानू पहली चीज़ तो यह पता है कि अगर जी पी है वह सम एग्जिस्ट करता है या डेफिनेट आता है, तो मतलब कॉमन रेशियो दैट मस्ट लाई बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, पहली चीज़ होगी। चलो पहली पहला अप्लाई कर दें। सो कॉमन रेशियो कितनी है दी? 2x/(x+3) शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। और एहो जी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बेसिक मैथ दसिया सी कि किवें, कि एनू अलग तो सॉल्व करी दे। ठीक है, एनू अलग तो सॉल्व कर दें, फिर उन्हों का कॉमन ले दे। ठीक है, हम सॉल्व कर दें पहला एनू। सो 2x/(x+3) इज़ ग्रेटर दैन -1। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करांगे, बिकॉज सानू नहीं पता ये नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमेशा दसिया सी इनू इधर लेके आओ। ठीक है, बेसिक मैथ इसी करके टाइम इन्वेस्ट करीदा सी कि ये चीज़ा ना आनी रहनी, कभी सीरीज आ गया होर कितने भी इनक्वालिटी आ जाती। बाकी एलसीएम ले लो। सो 3x+3 / x+3 इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इन्हें सॉल्व करना है। किमें सॉल्व करते सी? अगली लाइन बनाओ। हाँ जी, न्यूमिनेटर वाला फैक्टर कितने 0 हो रहा है? -1 पे। ठीक है, 3x+3 = 0, x = -1, तो एक फैक्टर आ गया -1। डिनोमिनेटर वाला -3, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 चाहता है, पॉजिटिव चाहता है। ठीक है, तो आ वाला आंसर आ जाएगा। कितों आया? -∞ to -3। ठीक है, ओपन आने हैं क्योंकि इंक्लूड नहीं, ना इतने इक्वल टू 0 है ना डिनोमिनेटर इंक्लूड करना, तो यदा आंसर आ गया -∞ to -3 यूनियन -1 to ∞। ये साडा पहले का आंसर आ गया। ठीक है, ओके। हूँ सैकेंड की करना, इनू सॉल्व कर दें। सो एक है 2x/(x+3) < 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करीदा क्योंकि नंबर सर्टेन नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हें इधर लिया। सो कि आ जाएगा x-3/(x+3) > 0। अगेन ये भी दो फैक्टर बन गए। केड़े केड़े बेटे? 0 पुट करो -3, एनू पुट करो 3, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी इंक्लूड नहीं कर रहे, और लैस दैन 0 कह रहे हैं, तो कितना आ गया? -3 तो लैके 3 दे। ठीक है, हुण मैं रब कर देना, दोनों का सोल्यूशन आ गया, फिर आप कॉमन ले लेना। ठीक है, वो साडा उस इनइक्वलिटी का आंसर आ जाएगा। सो ये कितना आंसर आया पुत्र? -3 तो लैके 3 तक। ठीक है, सो लेट अस टेक कॉमन ऑफ दीज टू। सो कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पहला आंसर कितना है? -3 to 3। ठीक है, दूजे का कितना है? -∞ to -3 यूनियन -1 to ∞। ठीक है, बिकॉज आ एक आंसर है तो एक लेवल पर आया, आ दूजा आंसर है नीचे बनाया। ठीक है, सो कॉमन रीजन केड़ा आ रहा है बेटे? आ वाला। ठीक है, सो कॉमन आ रहा -1 to 3। ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा, ये समटाइम्स पहला आंसर आ गया। समटाइम जिमें दसिया कि मैं पहला पॉइंट बनाया से ना, कंडीशन कि अगर जी पी है तो तुम्हें पता जी पी की कोई टर्म 0 नहीं होंगी, बट इफ यू सी कि 2x/(, कई बार बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर अगर आप एक्स की वैल्यू इतने 0 रख दें तो साड़ी तो ये जी पी ओ ही नहीं है, बट जी पी नहीं है तो उन्हें तो पूछा कि सम डेफिनेट है, तो अगर ईवन एक्स 0 भी हो जाता है तो आ 0 हो गया, सारी सीरीज की है 0+0 0, तो सम 0 ही आ गया, विच इज़ अ डेफिनेट सम। ये मतलब x = 0 भी सैटिस्फाई करता है, जस्ट इन केस किसी को आ डाउट हो। सो आडा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला कहता कि सम ऑफ इनफिनाइट जी पी इज 4। तो ठीक है, जी पी ले लो ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सम 4 है तो सम की होएगा? a/(1 - r)^4। आप पहली क्वेश्चन आ गई, दूसरी कहता सम ऑफ देयर क्यूब्स। अच्छा, अगर इन्हें क्यूब्स कर देंगे पुत्र, ए भी जी पी रहेगी। ठीक है, क्यूब कर दो, आ भी जी पी ही है। कॉमन रेशो कितनी आ जाएगी? r³। ठीक है ना,
फर्स्ट टर्म आ जाएगी ए क्यूब, तो ए का सम कितना हो जाएगा, ए क्यूब विच इज द फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस इट्स कॉमन रेशियो विच इज आर क्यूब। ए दिता है 64/7। सो दैट्स इट। सो तुहाडे को दो इक्वेशन बना ली उन्हें ए ते आर च, ये तो सॉल्व कर लेंगे। तो जो नज़र आ रहा है इतों ए की वैल्यू चको उत्थे पुट कर दो। सो ए कितना बेटा इतने 4 × 1 − r। सो आ ए की वैल्यू इतने प्लग इन कर दो, वह क्यूब करना है, ठीक है, क्यूब करा यदा क्यूब भी कर दो ना ही। चलो ए क्यूब की पुट कर देने। सो 64 − 1 − r द होल क्यूब, लेट अस पुट इन देयर, देयरफॉर दैट इज 64 1 − r होल क्यूब। अब नीचे कितना है, 1³ − r³। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ला दो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी इज इक्वल टू 64/7। आ कटिया गया स्क्वेयर आ जाएगा, 64 ना 64 कैंसल हो गया, ठीक है। अच्छा की बचा, 1 − r² ए कितना आएगा, ए स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है। आ 7 बटे इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू आ वाली टर्म उधर ले जाओ, 1 + r² + r। सो 7r² − r² 6r² 14 − 15r प्लस 6 = 0, 3 ना डिवाइड कर दो, 2r² − 5r + 6, 3 sorry 2 = 0। थोड़े को आर च इक्वेजन आ गई, दुर्ग नज़र आ रहा, आर की वैल्यू आ जाएगी 1 × 2 = 1/2। गल खत्म। मतलब जिम्मे थोड़ा दस ना कि डाटा नू लिखो ख्याल ना, जिन्या इक्वेजन उन्ने वेरिएबल है इस केस चाहे, मतलब वो इंडिविजुअली वैल्यू उन्हें आ जाएगी, और क्योंकि इनफिनिट जीपी सीरीज है तो कॉमन रेशियो तो वड्डी हो नहीं सकती, देयरफॉर आर इज 1/2। आई गेस प्रॉब्लम इज ओवर, आर 1/2 आ गया, ठीक है। तो आर आ गया तो इतने हुण पुट करके ए भी कर लो, ठीक है, इतने आर पुट कर दो। सो दैट इज इक्वल टू 4 × 1 − 1/2 = 1/2, ए की वैल्यू आ गई 2। सो ए 2 आ गया, आर आ गया 1/2। हुण की पुछद है द फिफ्थ टर्म जी पी दी, जी पी तो आगी, वो पंजवीं टर्म कितनी होगी, ए आर रेज टू पावर 4। सो 2 × 1/2 रेज टू पावर 4 दैट इज 1/2³ 1/8, ठीक है। चलो अगे चलते हैं। वो कहिंदा जी कि आ जी पी है तो आ लभो, तो इनू पर्टिकुलर केस लैके भी कर सकते कि ए 1 नू 1 लै लो, 2 लै लो 4 उन्ना भी आ जाऊगा, बट वैसे भी यदा औखा नहीं है। तो जनरल भी लोगे ना, जिमें ए लै लो फस्ट टर्म ए, सैकेंड ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ रहा है इमीजिएटली। देखो किमें, अच्छा पहला ए 1 तो ए है, ए 3 कितना है, ए आर स्क्वेयर, ए 5 ए आर 4, और 50वीं 49th टर्म कितना आएगा, ए आर द पावर 48, ठीक है। आ न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर कितना, ए 2, ए 2 कितना होएगा पुत्र, ए आर, ए 4 ए आर क्यूब, ए 6 ए आर 5 एंड ए 50 ए आर द पावर 49। वेरी सिंपल, इफ यू सी लुक एट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर नीचों आर कॉमन ले लीए तो गल बन गई, है ना, इतने ए आ जूगा, इतने आर स्क्वेयर आ जूगा, इतने आर 4 आ जूगा, इतने 48 आ जूगा। तो डिनोमिनेटर चो आर अगर खिंच लीए कॉमन तो न्यूमिनेटर के बराबर आ गया जोड़ा कट्टिया जाऊगा, ठीक है, बड़ी समझ आई गल। सो आ थोड़ा न्यूमिनेटर एंड एग्जैक्टली सेम लास्ट टर्म भी, और आ कट्टिया गया। सो ऑप्शन आंसर कितना आ गया, 1/r। फिर ऑप्शन मैच कर लो, ठीक है, आ भी नहीं आ भी नहीं, 1/r आ गया, बिकॉज ए 1 इज ए, ए 2 इज ए आर, सो दिस इज 1/r, आ आर है, ठीक है, सो दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। सो ये सीधा सी। अच्छा आ वाला वेखते, कहता सम ऑफ जी पी विद कॉमन रेशियो 3, ठीक है, आई गेस सोल्यूशन से ना थोड़ा अननेसेसरी लेंथी सॉल्व किया है। रेशियो 3 है, सम दिता है 364, लास्ट टर्म मतलब एंथ टर्म दिती है 243, अगर आप नंबर ऑफ टर्म एन मानते हैं, दैन नंबर ऑफ टर्म पूछिए, ठीक है, जो डाटा देते हो लाओ, पहले तो एंथ टर्म दिती है, एंथ टर्म की होएगी, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए, ए फर्स्ट टर्म मान लो आर
पावर, हाँ जी, एन माइनस वन। अच्छा इन्हों थोड़ा सिंपलीफाई कर लो होर, तो आके ना आएगा ए इंटू थ्री दी पावर एन इंटू, स्प्लिट कर रहे हैं बेटे, थ्री दी पावर एन माइनस वन इज थ्री रेस पर एन इंटू थ्री रेस पर माइनस वन, विच इज नथिंग बट 1/3। थोड़ा 1/3 है, इधर लिख लो इंटू थ्री करके, ठीक है। सो नाइन टू एंड सेवन, आ गया ए इंटू थ्री रेस टू पावर एन, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। सो जी इन्फॉर्मेशन दिती है वो लाई पहला आ वाली लाती, फिर कहना सम, ठीक है। सम कहता जी कि बराबर होंगे, सम इज इक्वल टू ए, हाँ जी, आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, सम ऑफ द एन टर्म्स, थ्री माइनस वन आर टू, इधर लियाओ तो मल्टीप्लाई कर दो, एट दो एक ते 7/28, आ खत्म हो गया, कि बचा ए इंटू थ्री दी पावर एन माइनस वन, हाँ जी 7/28, एन मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू थ्री दी पावर एन माइनस ए, आ गई मेरे को दूजी इक्वेशन। नाउ आई गेस प्रॉब्लम इज सॉल्व, बिकॉज ए इंटू थ्री दी पावर एन दी वैल्यू मैं डायरेक्टली इतने पुट कर सकता वाले, सो लेट अस पुट दिस वैल्यू ओवर देयर, सो 7/28, 7/29 माइनस ए, देयरफॉर ए आ गया वन। जब ए दी वैल्यू वन आ गई, इतने हुण मैं वन च पुट करा, फिर इतने ए दी वैल्यू वन, सो 7/29 इज इक्वल टू ए वन थ्री रेस्ट पर एन, ठीक है। सो आई गेस दिस इज थ्री रेस्ट पर सिक्स, तो चेक कर लो, ठीक है, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू थ्री रेस्ट पर सिक्स, एन थोड़ा सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा जो इन्फॉर्मेशन पुत्र गिवन लिखो और उस डाटा नो यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है। ओके नेक्स्ट कहता जी एस इज द सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स, आ एक सीरीज है और इनफिनिट टर्म का सम कितना होएगा, ए अपॉन वन माइनस आर दैट इज इक्वल टू टू, ठीक है, एस आ गया। एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स, अच्छा यदा एन टर्म का सम कितना होगा, एस एन ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दैट इज एस एन, इन कैलकुलेट कर लिए तो कितना आ गया थोड़े को, दैट इज दिस इज माइनस हाफ, सो इन लिख लो माइनस टू टाइम्स, ठीक है, 1/2 रेस्ट पर एन माइनस वन, समझाई गल बेटे, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, माइनस अगे टू पर आ गया, सो इन मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 2 माइनस 1/2 द पावर एन माइनस वन, ठीक है, माइनस टू इंटू माइनस वन टू, इनू करेंगे ना टू पर आएगा, 2/2 द पावर एन इज 1/2 द पावर एन माइनस वन, आ थोड़ा एस एन आ गया, ठीक है। अच्छा हूँ की कहना, जो रिलेशन गिवन है उन्होंने अप्लाई करिए, एस एन माइनस एस माइनस एस एन, सो दिस माइनस दिस, सो 2 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 रेस्ट पर इज लेस देन 1/1000, सो देयरफॉर आ गया, आ कटा जाऊगा प्लस आ जाएगा, ठीक है, लेस देन 1/1000, पॉजिटिव नंबर्स या वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, बिकॉज 1000 पॉजिटिव या ए रेस टू पावर एन हमेशा पॉजिटिव या, तो एन इधर तेन इधर ले जाओ, सो देयरफॉर 2^n-1 इज ग्रेटर दैन 1000, सौखा हो गया। हम देखो मेरी गल सुनो, कहता एन की वैल्यू पुट करिए कि ये नंबर 1000 तो वड्डा हो, तो तुम्हें पता कि 2 दियाँ पावर लिख दौ, जिमें 2 द स्क्वायर 2 क्यूब, तो 2^10 जोड़ा होंगे दैट इज इक्वल टू 1024, तो यह मतलब, और 2^9 है दैट इज, हाँ जी 512, तो अगर आ वाला नंबर आ वाली पावर 9 हो जाती टोटल, तो 2^9 तो 512 है, वो इतों व्डा नहीं है, इन्हें मतलब ये सैटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आ वाली वैल्यू 10 हो जाती है तो फिर ए की वैल्यू आ जानी है 1024, वो तो 1000 तो व्डा आ जाएगा। अगर यदि वैल्यू फिर 10 तो ज़्यादा होंगी है, फिर तो व्डा होएगा होएगा, नंबर वादा रहेगा ना, तो देयरफॉर उन्हें लीस्ट पूछा, जो पूछा तो भी कि सारे एन है, फिर तो बहुत सारे आंसर आने से, बट उन्हें मिनिमम पूछा तो घट्टो घट कद होएगा जब आ वाला नंबर 10 हो जाएगा, सो लीस्ट विल बी वैन वैन एन माइनस वन इज इक्वल टू 10, देयरफॉर एन गॉट टू बी 11, ठीक है, सो ए दा आंसर आ गया पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ओके 25th क्वेश्चन कहंदा जी इफ टीथ क्यूथ आर्थ टर्म ऑफ जीपी। ओके एक जीपी ले लो फर्स्ट टर्म ए मान लो कॉमन रेशो आर, तो पीएथ टर्म की होएगी ए आर रेस्ट पर पी माइनस वन के बराबर है ए दे, एंड ए आर रेस्ट पर क्यू माइनस वन इज बी, ए आर रेस्ट पर आर माइनस वन इज सी। आ गिवन डाटा है, ये तो पूछता की वैल्यू, देखो ना सी बाय बी, बी बाय ए बाय सी, तो डिवाइड करके आ जाएगा। तो पहला तो सी बाय बी, तो आ फर्स्ट मान लो सेकेंड तो आ थर्ड, ठीक है। सो नाउ अगर आप सेकेंड नू पहले ना डिवाइड करिए तो कितना आएगा बी बाय ए, सो दिस बाय दिस, हाँ जी कितना आएगा ए ना ए कटिया जाऊगा, आर दी पावर क्यू माइनस वन बाय आर दी पावर पी माइनस वन दैट इज इक्वल टू आर रेस्ट पर क्यू माइनस पी। आ समझे गल, ऊपर जावांगे ना सारा नंबर ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा, वन ना वन कटा जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, सो आ बी बाई ए आ गया। ऐदा ही सी बाई बी कर लो, सी बाई बी कितना आ जाएगा आर दी पावर आर माइनस क्यू, ठीक है आर माइनस क्यू। ऐदा ही ए बाई सी कर लो दैट इज आर दी पावर पी माइनस आर, ठीक है। हुण आ वाली जिहड़ी वैल्यू है इत्थे तिना जगह पर प्लग कर देंगे आप, ठीक है। सो लेट अस सी, लेट अस प्लग द वैल्यू इन देयर एंड सी व्हाट वी गेट। सी बाय बी दिस वैल्यू आ वाली ए दी पावर पी, सो ए दी पावर पी, सो देयरफॉर आर रेस्ट पर आर माइनस क्यू दी पावर पी, एंड यू नो पावर्स है तो आपस मल्टीप्लाई हो जानी है, ठीक है। इनटू आर रेस्ट पर, हाँ जी अगे की है बी बाय ए, बी बाय द है क्यू माइनस पी, ठीक है। आंसर ते नज़र आ रहा है वन आ जाऊगा क्योंकि इफेक्टिवली कट कटा जानी है सारे टर्म, दी पावर कितनी है आर, ठीक है। एंड ए बाय सी आ वाली वैल्यू इथों, ठीक है। तो आर दी पावर पी माइनस आर इंटू क्यू, ये मैं इथे वैल्यू रखती है पी क्यू आर है मेरे, तो हूँ मैं आ करता डिलीट, ठीक है। लेट अस सी नाउ व्हाट हैपन्स, चलो एक दो स्टेप लिख ही देना बेटे। तो पहले तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो कितना आएगा पी आर माइनस पी क्यू, ठीक है, इंटू आर दी पावर क्यू आर माइनस पी आर आर दी पावर पी क्यू माइनस आर क्यू। नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स गोन गेट एडिड। अगले स्टेप ते अब पावर सारिया की होनिया ऐड हो जानिया, ऐड हो क्या कटिया गया टर्म्स यू नो प्लस पी आर माइनस, ठीक है। दिस गोज ऑफ, सो दैट इज समथिंग रेस्ट पार 0 इक्वल टू 1, ठीक है। ओके अच्छा कहता है कि द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो फॉर विच थ्री सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। टर्म्स मान लिया ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ सोल्यूशन, जिहड़ा वो तुहाडे रिटन सोल्यूशन तो थोड़ा डिफरेंट आ, ठीक है, एंड दैल मेक सेंस एज वेल जिन्ना तुसी पढ़िया है ट्राइंगल दे रिलेटेड। ट्राइंगल दे रिलेटेड तुहानू पता, अगर तीन नंबर ट्राइंगल की साइड है तो की होंगे कि एक होंगे कि वो जो साइड है सारिया ए बी सी है ना जो भी हो जीरो तो व्डिया होनी चाहिए। दूजी चाहूँ चीज़ पता है कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, मतलब अगर आ तीन नंबर मान लो ए बी सी, इन कन्फ्यूज ना करो, मतलब इतने फोकस करो। सो एक तो ए बी सी तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, दूजा कि ए प्लस बी सी तो वड्डा होना चाहिए, बी प्लस सी ए तो, सी प्लस ए बी तो, ठीक है। दैट नेसेसरली शुड बी ट्रू, ठीक है। तो बस आही ला दें आप कि अगर आ तीन साइड है ट्राइंगल दियाँ, तो अगर आ ए मान लिया आ ए आर तो आ ए आर स्क्वेयर, तो पहली कंडीशन तो हो गई कि ए भी पॉजिटिव हो ते आर भी पॉजिटिव हो, ठीक है। आर पॉजिटिव होएगा ए पॉजिटिव है तो बाकी आ साइडा भी पॉजिटिव हो जानी है, तो ए पॉजिटिव हो। दूजी कंडीशन आर शुड बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। एक तो आ हो गया, ठीक है, मतलब वो वैल्यू लैनी है जिड़िया इन सैटिस्फाई कर दें, ठीक है। अच्छा दूजी गल, दूजी गल की है सम ऑफ द टू, हूँ हरेक पॉसिबल केस ले लो, पहले ले लो भी
एना ते एना दा सम एदा ते एदा तो वड्डा होना चाहिए। सो ए प्लस ए आर शुड बी ग्रेटर दैन ए आर स्क्वेयर। ए क्योंकि 0 तो वड्डा पॉजिटिव है तो कटता, ठीक है, तो कितना आ गया 1 प्लस आर इज ग्रेटर दैन आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर माइनस आर माइनस 1 इज लैस दैन 0। इनू सॉल्व कर लें आप, मतलब सारे ट्रू चाहिए, मतलब फिर फाइनली की करेंगे वो वैल्यू ले लेंगे जी सारू सैटिस्फाई कर दी, मतलब वह कॉमन सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। सो दूजा ले लो इना ते एदा सम इतों व्डा है, सो दैट इज ए आर स्क्वेयर ए आर इज ग्रेटर दैन ए, ए बीइंग नॉन जीरो कट दो, सो आर स्क्वेयर प्लस आर इज ग्रेटर दैन 1 माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0, इनू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थर्ड कर रह गया, थर्ड रह गया पुत्र थोड़ा आर स्क्वेयर रख लिया 1 ए रह गया, हाँ जी ए आर स्क्वेयर प्लस ए इज ग्रेटर दैन ए आर, ठीक है। अगेन दैट मीन्स आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 0। सो इन्हों तिना सॉल्व करके जी आर की वैल्यू आएगी कॉमन वो रख लेंगे, मतलब तिने कंडीशन सैटिस्फाई हो गई, नाल आ गई चौथी आ गई, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व। अच्छा इस तो पहला ना अगर जे किसी वह ना समझ आए इनइक्वैलिटी कि मैं सॉल्व कर रहा, तो एक बेसिक मैच क्वाड्रेटिक इनइक्वैलिटी कराया सी, है ना, वो चेते हो, ठीक है। वो मैं फिर दस देना कि अगर कोई इक्वेशन है इदा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, तो वो अगर रूट्स कर ली आप अल्फा ते बीटा आ जाते, तो ये फैक्टर होंगे, हाँ जी, कि एक्स माइनस पहला रूट तो एक्स माइनस दूजा रूट इन टू ए। सो ये रूट्स कर लीदे हैं अल्फा बीटा, वो ये फैक्टर होंगे। चलो हुण ये फैक्टर बनाने हैं, तो पहले चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेट, यदा डिस्क्रिमिनेट किन्ना है, हाँ जी नैगेटिव पॉजिटिव या रूट्स ही कर लो पहला, हाँ जी रूट की आ गया माइनस बी विच इज़ प्लस 1, अब बी सेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4/2, सो रूट्स आ गए ये 1 प्लस माइनस रूट 5/2। सो याद रखियो एक आ गया 1 प्लस रूट 5/2, दूजा रूट आ गया 1 माइनस रूट 5/2, यदा मतलब ये फैक्टर की हो जाने हैं, हाँ जी एक पहला, ठीक है, पहला रूट विच इज़ 1 माइनस रूट 5/2, एक दूजा रूट, हालांकि मैं उत्थे भी थोड़ा समझाया सी लिखन की लड़ नहीं, क्योंकि आप इनइक्वैलिटी सॉल्व करनी ना, चलो ना लिखी आप सीधा रियल लाइन पर वेवी कर्व पर लै जाओ, तो दो रूट होने हैं, एक आ गया 1 माइनस रूट 5/2, है ना, वो बाद भी तो इतने जाना आप 1 प्लस रूट 5/2। सो इतने पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव लैस दैन 0 चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। सो यदा आंसर की आ गया इस केस का 1 माइनस रूट 5/2 टू 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है, ए वाली वैल्यू लिए आ सैटिस्फाई होएगा, ठीक है। फिर ये आ जाओ, हाँ जी ये रूट कर लो, ये रूट किन्ने आते हैं, हाँ जी माइनस बी आवला प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 ए, ये रूट आ गया माइनस 1, अगे से माइनस 1 आ गया प्लस माइनस रूट 5/2। सो की रूट्स आए, एक आया माइनस माइनस एक माइनस प्लस, ठीक है, तो जेडे ये रूट्स है उही ये फैक्टर होने हैं, उही फैक्टर है, तो उही इतने रियल लाइन पर प्लॉट कर लो, एक आएगा माइनस पहला छोटा करेंगे ना इधर बाय 2 इतने एंड माइनस 1 प्लस रूट 5/2। सो इतने पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव वो की चाहता है ग्रेटर दैन 0 इतने, तो यद आंसर की आ गया माइनस इनफिनिटी टू, इतने लिख ली माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 माइनस रूट 5/2, यूनियन आ भी पॉजिटिव है रूट 5 माइनस 1/2, ठीक है, समझे। ये बड़ा मैं स्टेडली समझा रहा, अगर मतलब सीधा मैं आंसर लिखना हो भी मैं कुछ ना करा, क्योंकि मैं सीधा सीधा कॉमन ले ला भी, पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव छोड़ो कॉमन ले लो, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सिस्टमैटिकली करना है कि दैट इज द वे, ठीक है। फिर तीजी इनक्वालिटी, तीजी च डिस्क्रिमिनेट चेक करो डी कि आ गया बी स्क्वेयर माइनस 4ac डी नैगेटिव आ गया, सो थानू उच अगेन क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी समझाया सी ए पॉजिटिव होवे डी नैगेटिव होवे तो ए हमेशा ही पॉजिटिव होएगी, ए कदे भी नैगेटिव नहीं होएगी, यदा आंसर आ जाएगा ऑल रियल, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है, यदा आंसर है ऑल रियल। कुछ मर्जी आर पुट करांगे आंसर 0 तो वड्डा ही आएगा, यदा मतलब यदा तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ऑल रियल ना जो कॉमन बाकियों का है वो ही आ जाएगा, ठीक है। हुण लास्ट की रह गया वो वैल्यू लभनी है जिहड़ियां ना तिना नू सैटिस्फाई कर दी, तो ठीक है नाउ कम्स द ईजी पार्ट, हाँ जी, हाँ जी लो पहला एदा की है, दिस इज
वन माइनस रूट फाइव, ऐसे अगेन रूट फाइव कितना होता पुत्र, टू पॉइंट समथिंग, वन माइनस टू पॉइंट समथिंग माइनस समथिंग है, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नंबर है ठीक है। वन माइनस रूट फाइव बाय टू तो लेके वन प्लस रूट फाइव बाय टू, ये पहले का आंसर है ठीक है। दूजा की है माइन, अभी नेगेटिव नंबर है, ए होर भी नेगेटिव है ना, माइनस वन माइनस रूट फाइव, इतने कितने होएगा ठीक है। लेट अस नॉट राइट दैट, एथो एथे यूनियन रूट फाइव माइनस वन, दिस इज अगेन टू पॉइंट समथिंग माइनस वन, इतने कितने होएगा ठीक है। सो एथे आएगा है रूट फाइव माइनस वन बाय टू, ए आ सेकेंड आंसर आ गया। माइनस इन्फिनिटी टू दिस ब्ला ठीक है, एंड दिस टू इन्फिनिटी, सेकेंड आंसर। तीजा की है आर पॉजिटिव, अच्छा जीरो, आ देखो आ नंबर पॉजिटिव है, 2.5 माइनस वन, आ पॉजिटिव नंबर जीरो इतने कितने होगा, सो आर जीरो तो वड्डा भी चाहिए, तो कितने तीनों लाइना कॉमन है, कॉमन सोल्यूशन, कॉमन आ वाला पार्ट कॉमन है। सो आ जो पार्ट है ए आर दी वो वैल्यूज है जो तिना सैटिस्फाई कर दी, कि इतों लैके तक ठीक है आ। सो रूट फाइव माइनस वन बाय टू, टू रूट फाइव प्लस वन बाय टू ठीक है। सो सॉर्ट ऑफ एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, मेन्स नहीं इन्ना पुछते लेंदी और जो होंगे भी लेंदी ना दो तीन तीन चार सवाल ज़्यादा लेंदी होंगे, बाकी मतलब ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव से ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये मैं थोड़ा किसी वीडियो कराया भी सह जाए, कहता अल्फा वन बीटा वन आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है। सो ये रूट्स है तो अल्फा टू बीटा टू ये रूट्स है और ए के जी पी च है, तो ठीक है तो अल्फा वन अल्फा बीटा वन अल्फा टू ते बीटा टू, अल्फा वन नो ए मान लो, बीटा वन ए आर, आ हो गया ए आर स्क्वायर, आ हो गया ए आर क्यूब ठीक है, असी मान लिया देयरफॉर ए रूट्स आ पहले दोनों, तो सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा, हाँ जी कितना आएगा ए इंटू ए आर दैट इज इक्वल टू पी ठीक है। सम प्रोडक्ट लिख लिया, ए कॉमन वन प्लस आर इक्वल टू सिक्स ठीक है, आ इक्वेशन नंबर वन। दूजी आ इक्वेशन है बेटे, ये मैं सिर्फ सॉल्व कर देना जब तक कंसेप्चुअली तुझे समझ जाओगे। अच्छा यदा हूँ रूट्स की है अल्फा टू बीटा टू विच आर दीज टू, तो यदा सम कितना होएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, सम इज माइनस बी बाय ए 54, कॉमन कर दो ए आर स्क्वायर, वन प्लस आर इज इक्वल टू 54 आ गई दूजी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा सी बाई ए, सो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू ठीक है, सम प्रोडक्ट बेटे। सो दिस इज क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर फाइव, और आप पी है पी कितना है ए स्क्वायर आर, पूछा की है क्यू माइनस पी, तो अगर ए ते आर आ जाए तो पी ते क्यू आ जाओगे, पी ते क्यू आ गए तो गल खत्म हो गई, तो हम आई गेस इट इज़ डन, पहली तो दूजी इनू डिवाइड कर दो, टू बाय वन करोगे डिवाइड करोगे तो की होएगा बेटे, आ कट्टिया जाएगा ए कट्टिया जाएगा ठीक है, तुहाडे को आ गया नाइन, सो आर स्क्वायर इज़ नाइन, सो आर इज़ इक्वल टू थ्री ठीक है, इनक्रीजिंग जी पी है इस करके आर पॉजिटिव ले लिया, तो आर थ्री आ गया, इतने आर की वैल्यू थ्री रखो इतने ठीक है, इतने रख दो, सो कितना आ गया ए 4 इज इक्वल टू 6, ए आ गया थोड़े को 3 बाय 2, सो आर आ गया पुत्र ए आ गया, तो इतने पुट करके पी आ जाऊगा, इतने पुट करके क्यू, तो पी माइनस क्यू या क्यू माइनस पी जो पूछे आ जाऊ ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट ठीक है पुत्र।